यार ये सब हम जैसे सच्चे आशिकों के साथ ही क्यों होता है? तो क्या गुनाह करते थे हम? सुबह उठकर भाभी जी की दीदारी तो क्या करते थे? वो भीगी जुल्फों के बीच में से झांकते हुए उनके मासूम चेहरे को देखकर हमारी सुबह बन जाया करती थी भाई गॉड। उनका छम छम करके छत पर आना और उछल उछल कर रस्सी पर कपड़े टांगना और हमारा उनसे हाल पूछना और उनका कहना, भरभूति जी हम ठीक बा, हाय। यही तो हमारे सुबह के रंग थे। अब इन रंगों के बगैर हमारी सुबह की तस्वीर कितनी बेरंग हो जाएगी। इस तस्वीर पे तो अब फ्लाई ओवर पे दौड़ती गाड़ियों के धुएं के काले चढ़ जाएगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपनी इस हसीन सुबह की तस्वीर पर मोटर गाड़ियों के कालक नहीं पुतने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट। कौन चढ़ा रहा है आपको कालिक? है एक हसीन तस्वीर जिस पर हुक्मरान कालिक पोतने पे तुले हैं। अपनी ये तस्वीर छोड़िए और कॉलोनी की तस्वीर के बारे में सोचिए। अरे किस कॉलोनी की तस्वीर के बारे में सोचें भाई? जनाब कॉलोनी के बीचों बीच एक फ्लाईओवर गुजरने वाला है, उससे कॉलोनी की तस्वीर कितनी भद्दी लगेगी इस बारे में सोचिए। अरे तिवारी जी, हम उसी के बारे में तो सोच रहे हैं। अच्छा, कुछ मामलों में तो हमारे विचार मिलते हैं। ये बताइए करना क्या होगा? करना क्या है, पतलून उतारिए और लंगोट चढ़ाइए, कार्यालय के बाहर खड़े हो जाइए और ऊंची आवाज में कहिए, हम ये पुल नहीं बनने देंगे, चाहे हमें मतलब विभूति नारायण मिश्रा को अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। एक्सक्यूज मी, आप भी तो रहते हैं इस कॉलोनी में, आप क्यों नहीं पहले थे लंगोट? And I'm sure it will suit you very well with your jutting out paunch. देखिए ऐसा है कि कॉलोनी में हमारी छवि जो है थोड़ी अलग किस्म की है, यू नो, ऊपर के लेवल की। एक्सक्यूज मी, ये जो आपने ऊपर के लेवल की छवि बनाई है, ये आपने चवन्नी ठन्नी के कच्चे बनियान बेच के बनाई है ना? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे बड़े आपके इस्पात के कारखाने चल रहे हो। आपके तो वो भी नहीं चल रहे। अरे कुछ तो ऐसा कर गुजरिए कि ऊपर वाले को जवाब ना देना पड़े। ये बकवास बंद कीजिए अपनी और चलते हैं उस इंजीनियर के पास, उसे खरीदने की कोशिश करते हैं। चलिए। और अगर वो बिकने को तैयार हो गया तो खरीदेगा कौन? आप बहुत बड़े धन्ना सेठ बनते हैं ना अपने आप को, आप खरीदेंगे उसको। और अगर हमारे पास उसकी कीमत जितना कैश ना हुआ तो? हम अपने आप को भेज देंगे। आपको कौन बेवकूफ खरीदेगा? माफ कीजिएगा, आजकल बहुत सारी साइट्स हैं, वहां पर कुछ भी बिक जाता है। और मजे की बात यह है कि आप भी बिक जाएंगे, रस्ते का माल सस्ते में। आइए। हाँ हाँ, ब्रिज 20 फुट ऊंचा होगा सर। नहीं 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 सर, किसी ने कोई खास विरोध नहीं किया है, बस एक दो सरफिरे हैं सर, उनसे बगावत की बू आ रही है सर। आप टेंशन मत लीजिए, गुप्ता सब संभाल लेगा। यस। और कुत्ता जी? व्हाट? मैंने कहा मेरा मतलब है गुप्ता जी, कैसे हैं आप? गुप्ता जी ये रोकिए ना, ये फ्लाईओवर क्या कर रहे हैं आप? अच्छा आप ये बताइए कि आप गुजारिश कर रहे हैं या हुक्म दे रहे हैं? गुजारिश कर रहे हैं साहब। कोई फायदा नहीं आपकी इस गुजारिश का। बाल बच्चेदार होने के बावजूद आप अकड़ दिखा रहे हैं। क्या 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 आप कहना क्या चाहते हैं? आप मेरे बाल बच्चों को उठवा लेंगे क्या? यार गुप्ता जी आप भी कमाल करते हैं, हम शक्ल से आपको गुंडे बदमाश लगते हैं कि हम शरीफ आदमी हैं? भभूति जी, अरे डंडे से पत्ते काय हिला रहे, सीधा डंडे से कद्दू पे वार कीजिए ना। तो सीधे लफ्जों में मैं ये कहना चाहूंगा आपसे। क्या, क्या क्या सीधे लफ्जों में आप कहना चाहेंगे? हम आपको खरीदना चाहते हैं। आम तौर पर हरे हरे नोटों को देखकर आदमी का मन किसी भूखे बकरे की तरह उसे चरने को डोल जाता है। Well said, well said. तो आप हैं ना भूखे बकरे?
तो गुप्ता जी, क्या हम समझ सकते हैं कि आप बिक गए? नहीं, कितने थे? 50। चले कोई नहीं, कच्चे बनान बेचते रहिए, 50 और आ जाएंगे। Never mind. ओफो, सुबह सारा मूड गिरगिरा हो गया। सामने ये ब्रिज। भाभी क्या कर क्या रही हैं आप? गुड मॉर्निंग तिवारी जी, एक्चुअली मैं एरोबिक डांस कर रही थी। आप नाच रही हैं? अरे भाभी जी देखिए ना, ये हमारे बीच में ये कितना बड़ा पुल बना दिया है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। हाँ देखिए ना तिवारी जी, सारा मूड खराब हो गया, सामने ब्रिज आ गया, अब आप दिख ही नहीं रहे मुझे। भाभी जी मैं इस पुल को तोड़ दूंगा, इसे आग लगा दूंगा, इसमें पंप फिट कर दूंगा, तो उड़ा दूंगा इसे। नहीं नहीं तिवारी जी, अब कोई फायदा नहीं है, जब आप देख ही नहीं सकते तो मेरा एक्सरसाइज करने का कोई फायदा ही नहीं है, मैं तो डांसिंग एक्सरसाइजिंग सब बंद कर दूंगी। एक्चुअली मैं तो यहाँ आना ही बंद कर दूंगी, अब आऊंगी नहीं मैं बालकनी में। छोड़िए मैं जा रही हूँ। भाभी जी हम आपके और हमारे बीच में दीवार खड़ी नहीं होने देंगे, हम गिरा देंगे दीवार, हम गिरा देंगे दीवार, गिरा देंगे, गिरा देंगे हम दीवार, गिरा देंगे। लेखक भैया, आप होश में आइए, होश में। कौन सी दीवार गिराने की बात कर रहे हैं? मतलब हम सपना देख रहे थे पगली? हाँ आप सपना देख रहे थे, आप कौन सी दीवार गिराने की बात कर रहे थे? अब अगर हमने तुम्हें बता दिया पगली कि हम सपने में भाभी जी और अपने बीच की दीवार गिरा रहे थे, तो खामखा हमारे और तुम्हारे बीच दीवार खड़ी हो जाएगी। आप कौन सी दीवार गिराने की बात कर रहे थे? वो क्या है ना पगली, हमने सपना देखा कि तुम्हारे पिताजी ने तुमको दीवार में चुनवा दिया है। हाँ लेकिन हम थे ना, हम गए, हमने दीवार को लात मारी और अपनी अनारकली को बाहर निकाल लिया। हदिया, हम मधुबाला जैसे दिख रहे थे का? हाँ पगली। चलो अब अपना एक्सीलेटर चालू रखो और सो जाओ। ठीक है अब तुम एक्सीलेटर शुरू रखो, हम अभी आते हैं। हे भगवान, कितना बुरा सपना देखा, शुक्र है कि यह सपना ही था, अगर हकीकत में ऐसा हो जाता तो हमारी तो जान ही चली जाती। अरे ये तो भभूति जी की चीख है। क्या बात भभूति जी, सब खैरियत है? अभी तो सब खैरियत से, लेकिन एक बार हमारे और भाभी जी के बीच ये फ्लाईओवर बन गया
तो कुछ भी खैरियत से नहीं रहेगा। हमने कहा भभूति जी सब खैरियत है। हाँ हाँ सब खैरियत से, आप कैसे हैं? सब खैरियत से है ना? हाँ, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। बस हम ये सोच रहे थे कि अगर कमबख्त ये ब्रिज बन गया तो आपकी बालकनी से हमारी बालकनी की तरफ जो ताजी सुंदर हवा का झोंका आता है वो कमबख्त ब्रिज से टकरा कर दम तोड़ दिया करेगा। आप सही कह रहे हैं तिवारी जी, अगर हमने ये ब्रिज बनने से नहीं रोका तो उस ताजी और सुंदर हवा के साथ बड़ा अत्याचार होगा। And you know, I'm a nature lover. मुझे हवस का, हवा का बहुत शौक है। I am also भाभी प्रकृति लवर। तो बचाइए ना प्रकृति को, बचाइए प्रकृति को, कुछ करिए। हमें प्रकृति को लूटने से बचाना होगा। एक काम करते हैं, कल मोहल्ले वालों की सुबह एक मीटिंग बुलाते हैं। हमें किसी भी हाल में यह ब्रिज बनने से रोकना होगा। यस, हमें इस ब्रिज को बनने से रोकना है। अगर हमें उसके लिए आंदोलन भी करना पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। भारत माता की जय। इनकलाब। तिवारी जी हुल से जिंदाबाद। तिवारी जी जिंदाबाद कौन बोलेगा? अपने बारे में बहुत कमी ना आती। इनकलाब जिंदाबाद, हम खुद ही बोल देंगे। थैंक्स एवरीवन। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस में अपनी मसरूफियात को लात मार के यहां पर आए हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी कॉलोनी के बीच में से, यानी कि इस रोड से एक फ्लाईओवर निकल रहा है। मेरी बारी है। हाँ बोलिए ना, आपको फोन मना किया। दोस्तों हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इस फ्लाईओवर को फ्लाईओवर ना कहकर इसे एक काला नकाब कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जब ये फ्लाईओवर कॉलोनी के बीचों बीच से गुजरेगा तो फिर जो धुएं का सैलाब उठेगा और उससे जो वातावरण में कालिख फैलेगी वो जानलेवा होगी। एक्चुअली वो काली कहां से आएगी आप लोगों को बताऊं मैं, कि जो फ्लाईओवर पे गाड़ियां दौड़ेंगी तो उसका एमिशन निकलेगा, धुआं निकलेगा, उससे वो कालिक बनेगी और वो बहुत जानलेवा होगी। उससे जानलेवा बीमारियां होंगी जैसे कि अपना खांसी। भैया जे तो पहले ही खांस रहे हैं। इससे डेंगू भी फैल सकता है। क्या बात कर रहे हैं आप तिवारी भैया, धुएं से मच्छर पैदा नहीं होते हैं, धुएं से मच्छर भागते हैं। यहां कोई बायोलॉजी की क्लास नहीं चल रही है जो इतने लॉजिक पे जा रहे हैं। अरे ये, अरे भैया किस चीज की क्लास चल रही है फिर, हैं? बेवकूफ बनाने की क्लास चल रही है। डॉक्टर साहब यहीं बैठे हैं, इनसे पूछते हैं, इनसे ज्यादा अच्छा कौन जानता होगा। क्यों डॉक्टर साहब बताइए आप, धुएं से मच्छर पैदा होते हैं या धुएं से मच्छर भागते हैं? देखिए जहां तक मेडिकल की पढ़ाई का सवाल है तो मैं कई बार फेल हुआ हूं, लेकिन बेसिकली मैं एक तांत्रिक हूं। और जहां तक मैंने सुना और पढ़ा है कि ये मच्छर धुएं से नहीं पानी से पैदा होते हैं। ये आप लोग भी क्या मच्छर 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 लेके बैठ गए भाई, ये मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा कोई और है। और तिवारी जी के मुंह से गलती से निकल गया, वैसे भी इतना बड़ा मुंह है इनका। भाई 100 बातों की एक बात कि हमारी कॉलोनी में से फ्लाईओवर नहीं निकलना चाहिए, बस बात खत्म हो गई। तो भाइयों आइए मिलकर प्रण ले कि हम अपने कॉलोनी के बीचों बीच से ये फ्लाईओवर नहीं बनने देंगे। अरे ठहर जा ठहर जा ठहर जा। अरे दादा काय नहीं बनने दोगे महाराज, हैं? चल भागते थे, फ्लाईओवर की बातें घुइयां समझ में आएंगी।
अरे दादा, अरे 10-10 लाख रुपया की रकम कौन को बुरी लगती है महाराज? अरे भैया, अगर हमें को 10 लाख रुपया देगो ना, तो वो हमारे बाथरूम के अंदर से भी फ्लाई ओवर निकलवा दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो अपने फ्लाई ओवर के नीचे बैठ के लोटो लेके काम चला लेंगे। क्या ये जरूरी है कि आप पूरी डिटेल दें कि उस लोटे से आप क्या धोएंगे और क्या नहीं धोएंगे और क्या पहुंचेंगे और क्या नहीं पहुंचेंगे? यहां बड़े जहीन, बड़े इवॉल्व, बड़े समझदार, बड़े वर्ल्डली लोग बैठे हैं, उनका ओपिनियन मैटर करता है, है? Look at them. They're the lovers of environment, you know. Look at them. ये तो बुद्धू जीवी की तरह बात कर रहे हैं। आप चुप रहिए। तो दोस्तों, मैं जानना चाहूंगा कि इस आंदोलन में, इस मुहिम में हमारे साथ कौन कौन है। जरा प्लीज अपने अपने हाथ उठाएं। ऐसे है भैया तिवारी और भैया विभूति, जॉन जी, तुम्हारी समझदारी की बड़ी बड़ी बातें हैं ना, बाकी तुम बत्ती बनाओ और बासक कान खुजाओ। अरे दादा, आई लाइक इट। अब बस एक ही रास्ता है। क्या? आप लंगोट कस लीजिए और बैठ जाइए भूख हड़ताल पर। अरे सरकार पर प्रेशर पड़ेगा तो बात बनेगी, समझे आप? भाई हम नहीं बैठ सकते, हमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। अजीब आदमी है आप। अपने कॉलोनी वालों के लिए 4-5 दिन भूखे नहीं रह सकते? लानत है आप पे। ची 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 ची। तो आप नहीं बैठ सकते क्या? यार बहस मत कीजिए प्लीज। देखिए ये सिक्का है, हेड जाएगा तो मैं जाऊंगा, टेल जाएगा तो आप बैठेंगे, ठीक है? ओके okay? चल बेटा, जा बैठ जा, चल चल चल, निकल निकल निकल, चल 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 निकल। भूति जी, ये भूख हड़ताल का आइडिया हमें कुछ सही सा नहीं लग रहा है। अगर भूख हड़ताल में मैं बैठा होता तो आपको ये आइडिया बहुत सही लगता है ना? शायद। भूति जी, भूख के मामले में हम थोड़े कच्चे हैं, समझा कीजिए। अरे इतनी चर्बी तो है आपको, 8-9 दिन भूखे रहेंगे, कौन से मर जाएंगे? कुछ नहीं होगा आपको, डोंट वरी। आप 8-9 दिन की बात कर रहे हैं या 2 दिन में हमारी टाइम बोल जाएगी? भाई आप निकल भी लिए, मर मरा भी गए, तो ये आंदोलन जो है वो चालू रहेगा, डोंट वरी। क्या फालतू फंड की बातें ले बैठे तिवारी जी, आप अपनी भूख हड़ताल पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, जस्ट कॉन्सेंट्रेट, राइट? का है भैया विभूति और भैया तिवारी, जो कब पंचायत चल रही है, ज्यादा ही खुजली हो रही है तुम्हारे गर्दन में।
क्या मतलब है आपका? हम जो कह रहे हैं कि जब आराम से 10-10 लाख रुपया की निछावर मिल रही है तो आराम से जेब में डारो और ऐश करो ससुर। दरोगा हप्पू सिंह जी, निछावर तो बैंड बाजे वाले लेते हैं, लेकिन हम दोनों तो आंदोलनकारी हैं। तुम भुनिया आंदोलनकारी हो ससुर, क्या कर रहे जब से थे? देखिए, हम चंद रुपयों की खातिर अपनी बालकनी से दिखने वाले खूबसूरत नजारे को बेच नहीं सकते।